हाँ झारखंड लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। तो झारखंड में आज बदला सा नज़ारा है। जी हाँ, इंटरनेट की सेवा सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक सस्पेंडेड है, बंद कर दी गई है। सरकार की माने तो इच्छा में कदाचार को रोकने के लिए हुआ है, लेकिन क्या वाकई इससे कदाचार रुक जाएगा या जनता के लिए समस्याएं बढ़ गई हैं, सब जानते हैं हम। इसके तहकीकात के लिए भी हम मौजूद हैं धनबाद के जनता मार्केट में, बस स्टैंड के पास ही मार्केट है। और आइए अब बात करते हैं कुछ दुकानदारों से, आज जो है पूरा नज़ारा क्या है, क्या चेंज आया। सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। रघुनाथ सिंह नाम हुआ। रघुनाथ सिंह जी, क्या आज क्या चेंज हुआ है सर? आज तो बहुत सा बदलाव है। नेट के चलते एक भी ग्राहक नहीं आ रहा है। एक भी ग्राहक नहीं आ रहा है। काफी ज्यादा 95% जो है ऑनलाइन ही होता है। हम लोग कम पूंजी वाले धंधा वालों को और ज्यादा दिक्कत हो गया है। ऑनलाइन होने से अगर हमेशा के लिए अगर बंद हो जाए तो वो और अच्छा है। क्योंकि इधर कुछ जाते हैं पेटीएम में पैसा जाता है तो कितना जोड़ जोड़ के कैश रहता था, उससे जोड़ के सामान लाते थे। हम लोग खरीद बिक्री करते थे, उससे हम लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत में है हम लोग। अच्छा एक बात बताइएगा, व्हाट्सएप आज चला है? व्हाट्सएप तो नहीं चला है। पता है कारण, पता है क्यों नहीं चल रहा है? और मालूम है 2 बजे तक 8 से 2 बजे तक के अखबार न्यूज में दिया था। कि 2 बजे तक के बंद रहेगा एग्जाम के चलते। अच्छा सरकार बोल रही है कि इससे परीक्षा में चोरी नहीं हो पाएगा, क्या ऐसा लगता है कि चोरी करने वाला कैसे भी कर लेता है? ऑनलाइन होने से कैसे चोरी करेगा, सब तो ऑनलाइन परीक्षा हो गया था। ऑनलाइन हो गया है, लेकिन आज इंटरनेट इसीलिए रोका गया है ताकि परीक्षा में कोई चोरी नहीं कर पाए, सरकार ये बोल रही है। क्या लग रहा है सरकार का? हम तो पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं, इसके बारे में हम पूरा नहीं बता पाएंगे। जनता को परेशानी हो रही है? हाँ परेशानी बहुत हो रहा है। परेशानी सब तो हर चीज ऑनलाइन सब मोबाइल से हो रहा है, कंप्यूटर से हो रहा है, तो दिक्कत तो आएगा ही। अच्छा तो सुबह से मतलब एक भी ग्राहक को कुछ बेच पाए हैं या नहीं बेच पाए हैं? कुछ नहीं बेच पाए हैं। बोहनी नहीं हुआ है? बोहनी नहीं का 100-150 रुपया बेच के बैठे हुए हैं केवल उतना। हाँ अभी तक के 200-500 रुपया बेचते हैं। ऑनलाइन के चलते भी इफेक्ट पड़ा है बाजार पर। तो क्या लग रहा है सरकार का फैसला जो है व्यापारियों के लिए सही लग रहा है? क्योंकि ये बड़े बड़े पूंजीपति के लिए सरकार है, बीजेपी सरकार जो है, हम लोग के हक में ठीक नहीं है। लेकिन ये तो फैसला हेमंत सोरेन सरकार का है? ये फैसला हेमंत सोरेन सरकार का है? तो हेमंत सोरेन सरकार का है तो क्या बता सकते हैं? मतलब ये फैसला जो ऐसा फैसला सबके लिए सही नहीं है या है? हमारे नज़र में तो ठीक नहीं है। ऑनलाइन ठीक नहीं है हमारे, क्योंकि हम लोग कुछ उम्र 50-51 साल उम्र हो गया। अब जो 20 साल में परिवर्तन देख रहे हैं वो हम लोग के समय इतना डेवलप कहाँ था। अब हम लोग को दिक्कत हो रहा है। एक दिन बैंक में गए कि भाई हमारा देखिए पेटीएम, हमारे पास बड़ा मोबाइल नहीं है, छोटा मोबाइल है, हमारा अमाउंट बताइए कितना हुआ। तो बोल रहा है आप जाके अथी से पूछिए, ऐसा अला उन्हें आप अपना मोबाइल रखिए बड़ा, हमारे पास अगर नहीं है बड़ा मोबाइल तो हमारा कैसे हमको अथी होगा, हमको तो दिक्कत में आ गए ना हम। इस तरह का बात है और क्या बोलते हैं। तो ये हालत है अभी धनबाद के जनता मार्केट से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। और कई लोग जो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, पेटीएम और फोन पे वगैरह के बाद यूपीआई आने के बाद वो किसी तरीके से बड़ा मोबाइल जो है जिसे एंड्रॉइड कहते हैं हम, उसके साथ डील करने लगे। लेकिन आज उनके लिए फिर से एक नई समस्या आ गई है क्योंकि कारोबार पर असर पड़ने लग गया है। और ये जनता मार्केट की तस्वीरें हैं। कुछ देर बाद हम फिर आपसे जुड़ेंगे, आप बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।